दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में पानी की तरह पैसा किस देश में बहाया जाता है या खर्च किया जाता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम दुबई का ही आएगा। और हो भी क्यों ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अपने सोशल मीडिया पर आए दिन दुबई के रईसों की फोटो और वीडियो आपने देखी होगी कि किस तरह वो लोग अपना पैसा उड़ाते हैं। कई बार तो इन्हें देखकर आपका भी मन करता ही होगा ऐसे लेवियस लाइफ जीने का जैसे ये लोग जीते हैं। खैर, फिलहाल के लिए हम इमेजिनेशन से बाहर आते हैं और आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रईस जादों के बारे में बताते हैं जो अपने बाप की करोड़ों की दौलत को यूं ही उड़ा देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रईस जादों के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। सबसे पहले बात करते हैं दुबई किंग के बेटे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम की, जिन्हें फजा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आप सभी इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल और इनकी शानो शौकत से रूबरू होंगे। दुबई प्रिंस सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और उनकी अमीरी का अंदाजा आप इनके सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। आप सभी को बता दें कि शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम को महंगी कारों के साथ साथ महंगे घोड़ों का भी काफी ज्यादा शौक है। इसके साथ ही हमदान के पास दुनिया का सबसे महंगा ऊंट भी मौजूद है जिसकी कीमत $2 मिलियन बताई जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने अभी तक अपना सबसे ज्यादा पैसा अपने समुद्री जहाज के लिए खर्च किया है जिसकी कीमत $70 मिलियन है। अगला नंबर आता है शेख महरा का। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की बेटी शेख महरा को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो अपने लग्जरी लाइफ के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। वह अपने लग्जरी कारों के लिए जानी जाती है। इन्हें महंगी कारों का काफी ज्यादा शौक है। इनके पास लैम्बोर्गिनी, रॉयल्स रॉयस जैसी शानदार कार्स हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि दुबई के जिस महल में शेख महरा रहती हैं, उसे जमील पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि उनकी कोठी में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेख महरा मुस्लिम होने के बावजूद भी बुर्का या हिजाब नहीं पहनती हैं और इन्हें अपनी लग्जरी लाइफ जीना काफी ज्यादा पसंद है। इसके अलावा इन्हें हॉर्स राइडिंग का काफी ज्यादा शौक है, जिसके चलते उनके पास 11 घोड़े मौजूद हैं और सबसे महंगे घोड़े की कीमत $3.6 मिलियन तक बताई जाती है। अगला नंबर आता है राशिद बेलासा का। दोस्तों, अब हम जिस बच्चे की बात करने जा रहे हैं उसका नाम राशिद बेलासा है। यह दुबई के जाने माने चेहरों में से एक है और लोग इन्हें मनी किक्स के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता का नाम शेख हमदान बेलासा है, जो दुबई के सबसे मशहूर बिजनेसमैन में से एक है। राशिद बेलासा आए दिन अपनी लग्जरी लाइफ के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम मनी किक्स है और इनके यूट्यूब चैनल पर 3.88 मिलियन सब्सक्राइबर भी है। आप सभी को बता दें कि यह इतने ज्यादा अमीर है कि बड़े से बड़े स्टार भी दुबई जाकर इनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान, बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान, इनके जैसे कई बड़े बड़े सुपरस्टार दुबई जाकर राशिद से मिल चुके हैं और आप इनकी अमेरिका नजारा इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला नंबर आता है मंसूर बिन जायद अल नहायन। मंसूर बिन जायद अल नहायन, इन्हें शेख मंसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अमीराती शाही और राजनीतिज्ञ है और अबूबादी के शासक परिवार के सदस्य है और यह भी आज की लिस्ट में शामिल है, जो अपनी करोड़ों की दौलत बड़ी आसानी से उड़ाते हैं। इनकी शानो शौकत की बात करें तो इन्हें भी लग्जरी लाइफ जीने का काफी ज्यादा शौक है, जिसके चलते उनके पास कई ऐसी महंगी कारों का कलेक्शन मौजूद है। इनके पास 5 बुगाटी वेरॉन, एक पोर्शन 911 GT1 है जिसकी कीमत करीब $3 मिलियन या इससे भी अधिक है। इसके साथ ही इन्होंने साल 2016 में एक भव्य स्पेनिश संपत्ति खरीदने के लिए लगभग $42 मिलियन खर्च किए। इन सब के अलावा शेख मंसूर के पास मेगा यॉट भी है जिसकी कीमत ₹5,163 करोड़ बताई जाती है। यह समुद्री जहाज अंदर से देखने में बिल्कुल एक लग्जरी होटल की तरह दिखता है और इसमें वह हर सुविधा मौजूद है जो एक लग्जरी होटल में देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, इन रईस जादों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।